जो भी हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी अच्छी रिसर्च होती है, बहुत कटिंग एज लेटेस्ट रिसर्च होती है, लेकिन रिसर्च उसका वो आउटकम नहीं होता जो कि बाहर के ममालिक में है या जो कि होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो आपकी गवर्नमेंट भी फंड करती है रिसर्च के HEC के थ्रू, और ये दे कम अप विद वेरी गुड रिसर्च पेपर्स, वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, और फिर वो रिसर्च जो है बाहर के मुल्क में लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, और उसको फिर वो उससे उसको कमर्शलाइज करते हैं और उससे पैसा भी बनाते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हम उसको हमारी जो रिसर्च की सोच है वो वहाँ तक जाके ख़त्म हो जाती है, हम कमर्शलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। एक आम सी चीज़ है कि कोई भी प्रोफेसर, कोई भी स्टूडेंट PhD से ग्रेजुएट होता है, वो एकेडमिक पोजीशन ले लेता है, फर्दर प्रोजेक्ट्स को रिसर्च करता है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कमर्शलाइज करने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ नहीं होती। और वो इसलिए भी नहीं होती कि कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो उस एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर ही कोशिश करते हैं, और वो एकेडमिक एनवायरनमेंट ऐसी नहीं होती कि जहाँ से आप एक फुल स्केल बिजनेस को लॉन्च कर सकें और एक कमर्शलाइजेशन कमर्शियल वेंचर लॉन्च कर सकें। जैसे अगर आप एक जब आपने एक कोई पौधा लगाना है तो यू प्लांट द सीड, सो दैट्स योर रिसर्च, यू प्लांट इट एंड यू नर्चर इट एंड यू केयर फॉर इट एंड यू नीड, आपको बहुत बारीक बीनी से चीज़ों को देखना पड़ता है, एक एक चीज़ को, और उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उससे एक पौधा निकल आता है। लेकिन अगर आपने एक यू हैव टू ग्रो अ फॉरेस्ट, एक जंगल उगाना है, तो उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे हमें, हम सबको, यू नो वी हैव टू लीव आर पेरेंट्स होम टू ग्रो, नो बडी कैन ग्रो, यू नो वी विल ऑलवेज बी अ बेबी देयर। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग इन पाकिस्तान। देर इज़ यू नो देव सेट अप एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स विच इज़ अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, बट उसमें भी जो दे आर नॉट रियली रीचिंग आउट टू दिस रिसर्च, या वो लोग नहीं वहाँ पे आ रहे जो आना चाहिए, और जो ऑफिस ऑफ इनोवेशन है यूनिवर्सिटीज़ में, दे आर ऑल्सो नॉट हेडेड बाय बिजनेस पीपल, दे आर ऑलवेज हेडेड बाय एन एकेडेमिक पर्सन। सो अगेन इट इज़ द सेम थिंग। सो दैट्स वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, दैट्स समथिंग दैट हैज़ टू बी यू नो लुक्ड इन टू इन पाकिस्तान। Very interesting.